दुनिया का जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये सृष्टि कैसे बनी, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन था, ये सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई, इसके विषय में यदि आपको उत्तर चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे? हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण है कि ये जो भी कुछ है ये सिर्फ चेतन शक्ति के कारण ही ये सारी सृष्टि की स्थितियां बन रही हैं। लेकिन हमारा जो भारतीय दृष्टिकोण है, जो आज के वैज्ञानिकों से बहुत आगे है, उस दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें इतिहास के पृष्ठभूमि की ओर जाना पड़ेगा। और इस दृष्टि से जब आप विचार करेंगे तो बिना वेदों की शरण लिए हुए आप इसका उत्तर नहीं पा सकते। जैसे सृष्टि के पहले क्या था, सृष्टि कहाँ से प्रारंभ आई, मैं कहाँ था, मैं क्या सृष्टि के पूर्व भी था और सृष्टि के बाद भी रहूंगा, पहले अंडा हुआ कि पहले मुर्गी हुई, इस सृष्टि में किस प्रकार से सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, इनके सारे उत्तर यदि हम लोगों को ढूंढना है और इन सारी बातों का उत्तर और समाधान हम चाहते हैं तो हमें ग्रंथों की ओर और वेदादि शास्त्रों की ओर आना होगा। और इस दृष्टि से ऋग्वेद के नासदीय सूक्त को आप देखें, नासदीय सूक्त कह रहा है कि जिस समय सृष्टि नहीं थी उस सृष्टि के पहले भी कुछ था और उस सृष्टि के बाद भी कुछ रहेगा, और इसे सत और असत बात के नाम से ऋग्वेद का नासदीय सूक्त वर्णन करते हुए कह रहा है, कस्मै देवाय हविखा विधेम। आगे वेद आगे बढ़ करके ये बात बता रहा है कि हम ऐसे किस सृष्टि के उस देवता को अपना हविष दें और वो सृष्टि किन किन रूपों में थी। तो वेद आगे कह रहा है, पुरुखे वेदम, एकमात्र पुरुष था, यद भूतम यच्च भाव्यम, उससे ही जो कुछ हुआ और उसके बाद में जो कुछ होना है उसी के माध्यम से होना है, और उसने ही अपने आप को अनेक रूपों में विभक्त किया और उसके माध्यम से ये सृष्टि प्रक्रिया। हमारा प्राचीन व्याकरण शास्त्र इसी को स्फोट के नाम से कह रहा है। इसी तरह से हम शाब्दी सृष्टि की बात करेंगे तो ऋचम वाचम प्रपद्ये, मनोजजो प्रपद्ये, साम प्राणम प्रपद्ये। ऋग्वेद जो है उससे हमारी वाक सृष्टि पैदा हो रही, ऋचम वाचम मनोजजुह, और जो मन है वो यजुर्वेद का भाग है, और साम प्राणम प्रपद्ये, जो साम है, साम वेद है, वही सृष्टि का प्राण स्वरूप है। तो वेद केवल मात्र ग्रंथ नहीं है, ये हमारी सृष्टि विद्या का मूल कारण है। ये प्रत्यक्ष अपौरुषेय जो वेद हैं, ये सृष्टि के मूल आधार भी माने जाते हैं, और इसमें अनेक प्रकार की सृष्टि को बताया गया। एक और उदाहरण आपको देता हूं कि रित और सत्य ये दोनों हमारे यहाँ पर ऐसे तत्व हैं जो सृष्टि के नियामक हैं, क्योंकि सृष्टि पूर्व से भी थी और सृष्टि सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगी, और इसी को हमारे यहाँ पर सत्कार्यवाद कहा भारतीय दर्शनों। भारतीय दर्शनों में जो जो वस्तु है वह पूर्व से विद्यमान थी, और यदि विद्यमान थी तो उसका अस्तित्व आज भी है और आगे भी रहेगा, यदि वस्तु नहीं है तो उसका अस्तित्व पहले भी नहीं था और कभी भी नहीं रहेगा। इसी आधार पर हम सृष्टि की संकल्पना करते हैं, और हमारे यहाँ पर ये सारी सृष्टि के विभिन्न बिंदुओं को यदि हम एक करके एक शब्द और दो शब्दों में कहना चाहें तो शतपथ ब्राह्मण इसकी परिभाषा देते हुए कह रहा है, अग्नि सोमात्मकम जगत। अग्नि और सोम ये दो हमारी विद्याएं हैं, अग्नि और सोम से मिलकर के सृष्टि बनी। अग्नि पुरुष है, सोम स्त्री है। अग्नि पुरुष है और सोम प्रकृति है। सोम में, अग्नि में जब सोम की आहुति पड़ती है तब जाकर के सृष्टि का बीज अंकुरित होता है, और यही हमारी यज्ञ प्रक्रिया भी है, क्योंकि वेद कहता है यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाहा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। यज्ञ से यज्ञ के यज्ञ का यजन जब देवताओं ने किया उसी से सारे सृष्टि के धर्म पैदा हुए, पूरी सृष्टि की विधिवत प्रक्रिया आगे बढ़ी। इसलिए सृष्टि को समझने के लिए, उस इतिहास को समझने के लिए उसके मूल में हमको जाना पड़ेगा कि ये संसार कैसे बना, और जब तक
हम लोग इसके मूल में नहीं जाएंगे तब तक इस बात को हम कभी सिद्ध कर नहीं पाएंगे कि हम कौन थे, कहाँ से आए थे, हमारा पूर्व उद्दिष्ट कहाँ था, हम कैसे थे और आगे हमारे जीवन का क्या होगा। इसी तरह से हमारा जो पितृविज्ञान है कि हमारे पूर्वज शरीर छोड़ने के उपरांत कहाँ गए, कहाँ जाते हैं, चंद्र लोक क्या है, सूर्य लोक क्या है, अंतरिक्ष लोक क्या है, दीव लोक क्या है, पृथ्वी लोक क्या है, हमारे शरीर में स्व भू भुवा स्व महा जनह तपह सत्यम, ये जो सप्तलोक हम ऊपर मान रहे हैं, सप्तलोक हम नीचे मान रहे हैं, तल तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पातल, ये सारे 14 भुवन जो हम लोगों ने माने हैं, ये वस्तुतः क्या है। जब तक हम अपने इन ग्रंथों को, वेदादि शास्त्रों को नहीं देखेंगे तब तक हम सही मायने में प्रामाणिक रूप से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ आलोचना की दृष्टि से बात करना है तो वो तो की जा रही है, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे उद्भव और हमारे विकास को समझना है तो हमें हमारे वेदों की ओर आना होगा। हमें उन वेदों से भी पुरातन माने जाने वाले उन पुराण साहित्य की ओर आना होगा, उनके भी उस रूप में जहाँ पर कथानकों के माध्यम से बड़े बड़े रहस्य उसमें अनुस्यूत किए गए हैं, उन कथानकों की गहराई में जाना होगा, तब हम वहाँ से कुछ अर्जित कर पाएंगे और तभी हम भारतीय संस्कृति को समझ पाएंगे, भारतीय सभ्यता को समझ पाएंगे, हमारे धर्म को समझ पाएंगे, हमारे संस्कार को समझ पाएंगे और हमारी मानवीय दृष्टि को समझ पाएंगे, ज्ञान को समझ पाएंगे और विज्ञान को भी समझ पाएंगे। यही आज के समय पर बहुत जरूरी है।